ITTube basically एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोग IT की प्रॉब्लम्स का आप सब लोगों को सॉल्यूशन बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप आप ऑन करते हैं थोड़ी देर के बाद में स्लो हो जाता है। स्लो सिर्फ इस वजह से होता है कि हम लोग उसकी डेस्कटॉप और लैपटॉप की सर्विसिंग टाइम टू टाइम नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपने बाइक की सर्विसिंग भी हम लोग 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में कराते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप्स की भी एक लाइफ है और उनको भी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी ये हमारे सामने एक मदरबोर्ड है। जब ये लैपटॉप चलता है या डेस्कटॉप चलता है तो इसका ये फ़ैन रन करता है और ये CPU के ऊपर एक हीट सिंक लगा होगा, ये ओवरहीट करेगा क्योंकि इसके अंदर आप ये गौर से देखें, यहाँ पे एक डस्ट की लेयर जम गई है जिसकी वजह से फ़ैन एग्जॉस्ट नहीं करता और हीट सिंक ओवरहीट करेगा, उसकी वजह से आपका डाटा स्लो हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम। अब है इसका सॉल्यूशन के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, वन ऑफ द टेक्निकल एंड वन ऑफ द नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मींस जितने भी आज की डेट में मार्केट में हार्डवेयर और हार्डवेयर से जुड़े हुए लोग हैं वो तो इस मदरबोर्ड को पूरा का पूरा खोल सकते हैं। प्लस इसके अंदर बहुत सारी डाटा केबल्स लगी होंगी, डाटा बसेस लगी होंगी, लाइक दैट ID, USB, SATA, पावर ऑन पावर ऑफ, LED एंड पीछे के कनेक्टर्स। और दूसरे नॉन टेक्निकल लोग वो हैं जिनको सिर्फ अपने डेस्कटॉप से मतलब है और उनको सिर्फ साइड का कवर खोलना आता है, नथिंग एल्स, अंदर के बारे में कुछ नहीं जानते। फर्स्ट वन हम बात करते हैं टेक्निकल लोगों की। टेक्निकल जितने भी हैं हार्डवेयर वाले वो इस मदरबोर्ड को प्रॉपर पूरे तरीके से खोलेंगे और ये फ़ैन के लॉक्स हैं, इन लॉक्स को लूज करके इस फ़ैन को डिसमाउंट करेंगे। ये हमने फ़ैन को डिसमाउंट कर लिया। अब इस फ़ैन को हमारे को खोलना पड़ेगा। ये फ़ैन के कुछ लॉक्स इंटरनल लॉक्स हैं, ये हम इस तरीके से खोल के, ये देखिए ये जो डस्ट की लेयर है अभी कम है, कुछ दिन और ये सिस्टम चलता है डस्ट की लेयर बढ़ जाती, ओवरहीटिंग बढ़ जाती, जिसकी वजह से डेस्कटॉप और लैपटॉप 15 से 20 मिनट के बाद में बहुत स्लो होने के बाद में हैंग कर जाते हैं। अभी ये हम नॉर्मली 1 इंच का ये हमारे पास में ब्रश है, इस ब्रश से हम इस डस्ट की लेयर को साफ करेंगे। ये देखिए ये डस्ट निकला है जिसकी वजह से डेस्कटॉप और लैपटॉप्स स्लो हो जाते हैं। ये तो अभी हम डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप के बारे में भी बताएंगे। हमने इस डस्ट की लेयर को प्रॉपर तरीके से साफ किया। और इस मदरबोर्ड को भी हम साफ कर सकते हैं। जो टेक्निकल हैं वो ब्रश से साफ कर सकते हैं, ब्लोअर से साफ कर सकते हैं एंड ऑल, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सफाई करने की, बट ब्रश और ब्लोअर टेक्निकल लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ये हमने इसको साफ कर दिया। साफ करने से इसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। हम लोग बात करते हैं हम अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप की लाइफ कैसे एक्सटेंड करते हैं। ये हमने इसको साफ किया, ये CPU फैन का लॉक दोबारा से माउंट किया। इसके अंदर नॉर्मली आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ये अगर 1 से 2 डिग्री भी इधर उधर है तो ये फ़ैन आपका नहीं लगेगा। हमने दोबारा फ़ैन को इन लॉक्स पे सेट किया। ये 4 लॉक्स हैं और 4 इनके फैंस को लॉक किया। दिस वन इस साइड से लॉक किया, इस साइड से लॉक किया, ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया, ये हमारा अब रेडी टू मूव मदरबोर्ड हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो हमारे पास में था वो था नॉन टेक्निकल। अब नॉन टेक्निकल जितने भी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो अपने सिस्टम का साइड से कवर खोलेंगे। जस्ट यही 1 इंची का ब्रश सिस्टम ऑफ होने के बाद, सिस्टम ऑफ होने के बाद में ये ब्रश यहाँ से कुछ इस तरीके से साफ करेंगे, हल्का सा इस तरीके से, ऐसे एंड ऐसे। जब ये प्रॉपर आपको लगे कि साफ हो गया और यहाँ पे डस्ट नहीं बचा है तो उसके बाद में आप हल्का सा ब्रश इस तरीके से मार के इसको छोड़ देंगे। अगर ब्लोअर है तो मस्ट बेटर है, अगर ब्लोअर नहीं है तो जस्ट इस तरीके से साफ करके, कोई केबल आपने नहीं छेड़नी है, कोई भी केबल नॉन टेक्निकल लोग छेड़ेंगे
तो सिस्टम के अंदर किसी और टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। जस्ट ये अभी आपका सीपीयू के अंदर लगा हुआ नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बोर्ड है और ये अभी आपका सिस्टम रेडी टू मूव है। इसके बाद में अगर आप ऑन करेंगे तो सिस्टम के अंदर स्लो की, हीटिंग की और डाटा रुकने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे कि मार्केट में कौन सी डिवाइस आई है, उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में, कौन सी डिवाइस चलनी बंद हो जाती है, उसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, कैसे इनिशियलाइज किया जाए, कैसे उसका डायग्नोस किया जाए और किस तरीके से उसका सोल्यूशन दिया जाए।